Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to your English class. So today we are going to learn some new words. Yes, and these words are the action words. कुछ हमने पहले भी याद किए हैं, पहले भी पढ़े हैं, इस दफ़ा हम कुछ new words सीखेंगे. So open your workbook and open page number 33. Yes. Now the icons on page number 33 are read and color, and there is a date section, so fill it first, then look. In the first picture, there is a girl and she is doing something. Well, I think she is making something, and there is a stove और कुछ पक रहा है. Well, हम सबके घर में कुछ ना कुछ पकता है, रोज़ कुछ ना कुछ बनता है खाने के लिए. मम्मा बनाती हैं, या हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई बनाता हो. So, क्या होता है, क्या कहते हैं खाना बनाने को? What do you think? क्या कहते होंगे जब खाना बना रहे होते हैं? That is called cooking. 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 So this girl over here is cooking. और usually देखा जाता है कि लड़कियों को शौक़ भी बहुत होता है cooking का. Well, अक्सर देखते हैं कि आप क्या होता है कि हम मम्मा से या पापा से जो है वो फरमाइश करते हैं कि हमें किचन सेट चाहिए. और हमारे उस किचन सेट में एक बहुत ही प्यारा सा किचन होता है, हमारे पास बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं और उसके अंदर हम मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं. वेल, समटाइम्स वी हैव टी पार्टी विद आवर फ्रेंड्स एंड वी प्ले विद दैट किचन सेट. सो व्हाट डू वी डू विद दैट? वी कुक समथिंग. और कुछ भी बनाने को हम क्या कहते हैं, खाना बनाने को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट cooking. Cooking. Yes. So read after me. Cooking. Cooking. Okay. Now the next picture is, well, we can see two girls standing in front of each other. They are holding the books and I think that they are doing something. Yes. आपको क्या लगता है क्या कर रही हैं? पर मुझे लगता है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं. जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं. जस्ट एज द वे आई एम सेइंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी. तो ये जो एक मरहला है जिसमें मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? वेल, वी आर टॉकिंग. आई एम टॉकिंग टू यू. यस. लाइकवाइज These girls are talking to each other. बात कर रही हैं एक दूसरे से. They are talking. Talking. They are talking. Talking. Now the third picture is of a man and इनके posture से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चल रहे हैं. अब जाहिर है इस तरह से कोई खड़ा तो रह नहीं सकता, right? सो ये चल रहे हैं. और जब हम चल रहे होते हैं, हम उस एक्शन को क्या कहते हैं? वेल, वी कॉल इट वॉकिंग. 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 रीड आफ्टर मी. वॉकिंग. वॉकिंग. दिस मैन इज वॉकिंग. नाउ द लास्ट पिक्चर इज ऑफ अ बॉय और ये बड़ी जल्दी में लग रहा है. कहीं जाना है शायद, किसी से मिलने जाना है, किसी ने बुलाया है, या शायद ये गेम खेल रहा हो, राइट? मे बी फुटबॉल और एनी अदर गेम, और मे बी रेस कर रहा हो. सो बहुत जल्दी में है. ही इज़ नॉट वॉकिंग. ये थोड़ा जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चल रहा है और शायद भाग रहा है. सो भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, What does that action call? Well, what do we say it? भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भागने का जो हमारा एक्शन है उसको कहा जाता है रनिंग. रनिंग. जब हम भागते हैं, स्कूल में अगर हमारा
स्पोर्ट्स पीरियड होता है या हमारा कोई स्पोर्ट्स डे होता है उसमें रेसिंग होती है, तो रेसिंग में क्या करना होता है, वी हैव टू रन, हम भागते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रनिंग, रनिंग. एंड दिस बॉय ओवर हियर इज रनिंग, रनिंग. वेरी गुड चिल्ड्रन. वेल, आज हमने कौन कौन से एक्शन वर्ड सीखे, वी लर्नड कुकिंग, वी लर्नड टॉकिंग, वी लर्नड वॉकिंग एंड वी लर्नड रनिंग. यस, फोर एक्शन वर्ड्स. एंड आई होप कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से, और आपको करना भी चाहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. सो अब इन सबको पढ़ने के बाद व्हाट डू यू हैव टू डू, कलर. एंड यू नो व्हाट इज़ द कलर मूवमेंट, इट्स अप अप एंड डाउन. एंड मेक श्योर कि आपके कलर्स आउटलाइन से बाहर ना जाएं, मेक श्योर दैट यू कलर इट नीटली एंड परफेक्टली. और फिर आखिर में जब आप मामा को अपनी वर्कशीट दिखाएं तो उन्हें बताइएगा कि मामा दिस एक्शन इज कॉल्ड दिस एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड दिस. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.